So here we go. Again, this is going to be our system. जिस पे एक्सटर्नल फोर्सेस तो लग रहे होंगे, लेकिन लेकिन हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। कैसे? देखिए, टॉर्क एक्सटर्नल डीटी would be DL system, right? 0 से delta T, where delta T is almost 0. Where delta T is almost 0, क्योंकि just टक्कर से पहले और टक्कर के बाद की बात कर रहे हैं. And if we choose this point O, तो एफ इंपल्सिव होगा भी तो उसका टॉर्क जीरो आएगा. एक्चुअल में एफ इंपल्सिव होता है, लेकिन ओ के अबाउट लिखेंगे तो जो टॉर्क की इक्वेशन बैठेगी वो बैठेगी 2mgr माइनस mgr इनटू डेल्टा टी. ये बैठेगा जहां पर डेल्टा टी इज ऑलमोस्ट जीरो, सो दिस क्वांटिटी बिकम्स जीरो, सो डेल्टा एल सिस्टम बिकम्स जीरो. मतलब इस सिस्टम का अबाउट ओ एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है. एंड वंस यू गेट दैट, दिस प्रॉब्लम इज डन. अच्छा, बुली का पिछले साल में बात नहीं किया था, इस भी बात नहीं किया, मार्स ही नहीं, क्या बात कर. तो जस्ट बिफोर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, अंदर की तरफ पॉजिटिव ले लेते, राइट, क्योंकि यू आर पॉजिटिव. तो आप देख सकते हैं ये आर वेक्टर, ये यू, तो ये क्या आ जाएगा, एम यू आर. आर क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यही है, this is the perpendicular distance, line of motion. टक्कर के बाद की बात कर लेते हैं. टक्कर के बाद क्या होगा, नया चित्र बना लेते हैं. वैसे हम हटा भी दे तो चलेगा. टक्कर के बाद की बात करें यदि हम, तो ये एम और ये एम, टू एम हो गया ही, जो कि वी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है और एग्जैक्टली उसी वेलोसिटी से बाय कंस्ट्रेंट ये भी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा. और ये आर वेक्टर, यदि मैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखूं आर क्रॉस वी, दैट इज एम V R, सेकेंड वाला लिखूं R क्रॉस V इनटू द प्लेन, सॉरी यार 2 mvr था, दो मास, तो ये भी इनटू द प्लेन ही आ रहा है, ये अपन ने अभी पहले भी लिखा था.
और डेल्टा एल इज जीरो, सो एम यू आर इज इक्वल टू 3 mv r, v इज इक्वल टू u बाय 3। ओरिजिनल सॉल्यूशन आप देखिएगा इसका, मजा आएंगे आपको देख के कि कितनी मेहनत उसमें वर्मा जी ने करी है, राइट। एन ओरिजिनल सॉल्यूशन काफी हार्ड वर्क से आया आंसर। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज टॉर्क इज इक्वल टू डी एल सिस्टम बाय डी टी, बट देयर इज अ लिमिटेशन बिकॉज अभी तक हम लोग पार्टिकल से डील हैं, तो हम इसको बहुत ज्यादा अब आगे लेकर नहीं जा सकते। जब तक हम लोग अब रिजिड बॉडीज की बात ना करें, ओके, तो नाउ विल बी ट्रांसफरिंग फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स एंड अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट टू रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ठीक है। और कुछ कुछ बातें करेंगे वहाँ पे धीमे धीमे, सो थोड़ा टाइम लगेगा, बट होमवर्क मुझे पता है मैंने नया कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की शीट काफ़ी बड़ी और अच्छी चैलेंजिंग है इस वजह से। बट आज सबसे पहले तो आपको करना क्या है, एच सी वी में सेक्शन टेन पॉइंट वन फोर, राइट, इसके अंदर जो भी इन मैथ्स एंड फिगर, ठीक है, वो सब अपन को पेन चला के कॉपी मारते जा रहे हैं। किस बारे में है मैं शेयर करके आपको दिखा देता हूँ कि क्यों आप ये कर सकते हैं इजीली। कॉन्सेप्ट में पढ़ाता रहूंगा साथ साथ, चिंता मत करेगा सर हमें तो पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं पता लग जाएगा, एज यू कीप ऑन स्टडिंग पता लग जाएगा। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो मैं आज शायद इंट्रोड्यूस कर पाऊँ, कोशिश तो करूँगा आज इंट्रोड्यूस कर दूँ ये क्वांटिटी, राइट। पर मैं क्यों कह रहा हूँ आप कर सकते हैं, क्योंकि भाई अपन ने समेशन एम आई आ रही तो भी किया ही है सेंटर ऑफ मास, या समेशन एम आई आ रही स्क्वायर करने को कह रहे हैं, जहाँ पे आ रही का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन लाइन, वहाँ पे पोजिशन वेक्टर लेते थे, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके। तो ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेके इन्होंने समझा रखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो टू हैवी मासेस का रोड के एंड पे, तो वह डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेना है, ऐसे करके निकाल दिया, फिर वही ट्रायंगल वहाँ पे टू पार्टिकल लिया था फिर ये ले लिया। अभी इन्होंने बोला है कि भैया कहाँ से निकालना है, अबाउट द लाइन एक्स, इस लाइन के अबाउट निकालना है, तो भैया इस लाइन के अबाउट निकालना है एक्स के अबाउट, तो ऑब्वियसली हमको डिस्टेंसेस यहां से परपेंडिकुलर वाले लिखने, राइट। और स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ऑब्वियसली शुरुआत में पॉइंट मास का देंगे, फिर अपनी सही चीज पे आ जाएंगे, दैट इज कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आर स्क्वायर डीएम हो जाएगा। ये कर सकते हैं आप लोग आराम से, कोई ऐसे यानी कि समझ में नहीं आएगा, हाँ इसकी एप्लीकेशन समझाने मुझे टाइम लगेगा, धीरे धीरे आएगा सब इसका मतलब और एप्लीकेशन, ओके। फिर ये अपन ने एक एक्सिस लिया, ये रॉड लिया, और रॉड से शुरू करते करते फिर वही सब चीजें चलेंगी,
प्लेट आ जाएगी, रिंग आ जाएगी, डिस्क आ जाएगी, उसका एलिमेंट रिंग ले लेंगे, ये सब सेंटर ऑफ मास में किया हुआ है, वही सब चीजें चलेंगी। ठीक है, फिर कुछ थ्योरम व्योरम्स भी आएंगी आगे जाके, अल्टरनेट मेथड बड़ा अच्छा है, तो ये सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अज्यूमिंग कि आपने सब कुछ कॉपी कर लिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, और रेडियस ऑफ जायरेशन नामक एक चीज है, नाम पे मत जाइएगा, जहाँ नाम समझने की कोशिश करेंगे परेशान होंगे, मॉडर्न फिजिक्स का तो एक नाम समझ में नहीं आने वाला है ना, तो नाम पे नहीं जाना है अपन को, तो काम से मतलब नाम कुछ भी रख दो, रेडियस ऑफ जायरेशन की जगह गोलू मोलू रख दो, तो गोलू मोलू रखने से थोड़ी कोई फर्क पड़ जाए, वो बात है। ठीक है, तो ये आपको ट्राई करना चाहिए, ट्राई मतलब कॉपी करना बस इतना सा काम। ठीक है, अब मैं रिजिड बॉडी पे ट्रांजिशन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर।